Namaste everyone. Namaste all the dear viewers. Namaste. Pranam. Aap sabka Sunday ko Health Shala with Dr. Avdesh Pandey mein swagat hai. And it's my honor to host this show. Myself, Anandi from Dharamshala, Himachal. Hamara ek yahan ashram hai aur hum DAP ki hi प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और उससे काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, तो इसीलिए हमने ये होस्ट सोचा, ये प्रोग्राम होस्ट करते हैं. और ये जो हेल्थ शाला के थ्रू हम एजुकेशन देना चाहते हैं उसको आप सब ग्रहण करें, जीवन में उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर अवधेश पांडे जी के चैनल को. और उसमें आपको बहुत वीडियोस नजर आएंगी जिसको आप सुन के ही घर बैठे ठीक हो सकते हैं. और जैसे डैप बोलते हैं कि मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट, तो ये उसी का एक पार्ट है हेल्थ शाला. तो आज उसका एपिसोड 2 है. हमने फर्स्ट एपिसोड में डैप प्रोटोकॉल को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप उसको भी देखें. और इस प्रोटोकॉल में इस एपिसोड में वी आर टचिंग फास्ट फूड एंड फास्टिंग. तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि इसी टॉपिक को अच्छे से हम सब लोग समझ पाएं कि फास्ट फूड क्या है और फास्टिंग कैसे करनी है और एग्जैक्ट मीनिंग फास्टिंग के क्या है. तो आप इंस्पायर हों हेल्थ शाला से और लोगों को शेयर करें और उनको भी इंस्पायर करें. तो इसी के साथ डॉक्टर पांडे जी ने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, अभी वो पटना में हैं, तो दो प्रोग्राम्स के बीच में ही गॉट सम हाफ एन आवर और आई मे बी 45 मिनट्स. तो अभी अभी वो ज्वाइन हुए हैं, इसीलिए हम थोड़ा लेट भी हो गए. तो मैं उनको अब इनवाइट करना चाहूँगी. तो सर, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज. नमस्ते. धन्यवाद. धन्यवाद. और हेल्थ शाला के सभी दर्शकों को मेरा वंदन, अभिनंदन. हेल्थ शाला स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आप कोई एक पर्टिकुलर वीडियोस जो हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, वो पर्टिकुलर वीडियोस आप देखें और वो वीडियोस देख के अपने घर पे ही ठीक हो जाएं. हमें कांटेक्ट भी करने की ज़रूरत आपको ना पड़े. हम कोशिश हमारी यही होती है कि आप ये वीडियोस देखें और घर पे ही ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा मिशन स्वस्थ भारत करने का है. इसमें इंडिविजुअली हम सभी लोगों को ले पाएं ये थोड़ी मुश्किल वाली बात है, इसलिए हम इतना डिटेल में कोई वीडियो बनाते हैं ताकि आप देखें और घर पे ही इम्प्लीमेंट करके ठीक हो जाए, स्वस्थ रहें. आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसमें आप ठीक करें, देश के प्रगति में योगदान करें, विश्व के शांति में योगदान करें और विश्व को एक बेहतर प्लेस बनाएं जीने के लिए. ये हमारा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है हेल्थ शाला के माध्यम से. जी, सो आई स्टार्ट विद द फास्ट फूड. तो मैं बताना चाह रही थी अपनी भी आउटलुक. मोस्टली मैं बहुत यंग बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो उनके जहन में यही होता है और ऑफ कोर्स बड़ों के जहन में भी, कि फास्ट फूड मतलब बस कुछ खरीदा, लाइक बर्गर, पिज्ज़ा और समोसा, स्नैक्स, और उसको एज अ फास्ट फूड कंसिडर करते हैं. तो मुझे लग रहा है माइंडसेट काफ़ी ब्लॉक हो गया है कि फास्ट फूड का डेफिनेशन बहुत छोटी सी कर दी है हमने. तो जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, फास्ट फूड इज मोर देन दैट. तो आप बताएं कि व्हाट डू यू थिंक फास्ट फूड वन शुड कंसिडर. या फास्ट फूड तो खाना ही चाहिए, इनफैक्ट सभी को फास्ट फूड खाना चाहिए. बस फास्ट फूड का डेफिनेशन सही करना बहुत ज़रूरी है. केला फास्ट फूड है, संतरा फास्ट फूड है, मौसम्बी फास्ट फूड है, तरबूज फास्ट फूड है. इट इज़ फास्ट एंड इट्स फूड. ये फास्ट फूड है.
हम सिर्फ डेफिनेशन सही कर लें, फास्ट फूड तो खाना ही चाहिए, और ये फास्ट फूड है जिसको मतलब हम कि डिफाइन करके फास्ट फूड खाते हैं, वो डेथ सेंटेंस है, वो फास्टर डेथ के लिए वो रास्ता है। वैसे लोग बहुत सही भी बोलते हैं कि जीवन में इट्स ओनली वन लाइफ टाइम, मरना तो है ही, इसका क्या मतलब है कि आप शॉर्टकट लेके मर जाएं? मरने के पहले जीना जरूरी है। अगर आप फास्ट फूड ऐसे ही लेते रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, मरना तो खैर एक दिन है ही उसके। तो फास्ट फूड का डेफिनेशन हमें चेंज करना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि फास्ट फूड का डेफिनेशन होना क्या चाहिए। कमिंग टू फास्टिंग, फास्टिंग पैनेशिया है। दुनिया में जितनी बीमारियां मुझे पता है उन सब में फास्टिंग औषधि की तरह काम करता है। अगर आप फास्टिंग पे चले जाएं तो आप बीमारियों को डिफीट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर्स। आप देखिए, हम कंट्रोल्ड फास्टिंग कराते हैं लोगों को। कंट्रोल्ड फास्टिंग से बड़ी बड़ी डिजीजेस आप रिवर्स कर सकते हैं, बट यस, इट्स नॉट इजी। तो फास्टिंग दो तरह के होते हैं, सिर्फ दो ही तरह के। बाकी लोग जो आप फास्टिंग का डेफिनेशन जानते हैं कि ये नहीं खाना है, ये खाना है, जो ज्यादातर लोग जानते हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये जो यूजुअल चावल दाल रोटी सब्जी चने हैं, ये नहीं, हाँ ये नहीं खाना है, पूरी कचौरी ये सब खाना है, और आटे का नहीं खाना, कट्टू का खाना। आप देखिए आप कहाँ फंसे हैं। नहीं, मैं तो आज फ्रूट्स पे ही था, मैं तो आज सुबह से फ्रूट्स पे ही हूं, तो वो फास्टिंग पे हूं, फ्रूट फास्ट पे हूं। ये सब अपने दिमाग से कचरा निकालिए। फास्टिंग दो ही तरह के होते हैं, सज्जला निर्जला, या तो वाटर विथ वाटर फास्ट, या मतलब वाटर ओनली फास्टिंग, या विदाउट वाटर फास्टिंग। यही दो तरह के फास्टिंग होते हैं और यही थेरापीटिक है। बाकी आप फ्रूट्स खा सकते हैं तो आप फास्टिंग मत बोलिए, आप बोलिए मैं आज फ्रूट्स पे हूं। और वैसे भी आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं प्रकृति के ऊपर, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं फ्रूट्स पे रह के, फास्टिंग कर रहे हैं तो प्रकृति के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ताकि आप प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं, शोषण नहीं कर रहे हैं, आप प्रकृति के पोषण में सहायक हो रहे हैं। इसको अपरिग्रही कहते हैं। ये जैन्स बहुत ठीक से जानते हैं और ये प्रैक्टिस भी करते हैं। अपरिग्रही, अपरिग्रह यम नियम का एक पार्ट है, और ये भारत की निरंतरता में, योग भारत की सबसे पुरानी निरंतरता है, महाभारत के टाइम से लेके आज तक, राम के टाइम से लेके आज तक, वेद से लेके आज तक योग भारत की परंपरा रही है। योग में ही यम नियम आते हैं, जिससे जैनिज्म निकला है। तो यम नियम में अपरिग्रही हमें पता है, प्रकृति से उतना ही लें, उतना ही लें जितना कि आप भरपाई कर पाए, ये पोषण होता है। आपने अपना पोषण लिया, प्रकृति से आपने ज्यादा ले लिया, भरपाई नहीं कर पाए, इसको शोषण कहते हैं। ये शोषण की स्थिति ऐसी हो गई है कि 100 साल में एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। इसलिए जागना बहुत जरूरी है। तो कमिंग बैक टू फास्टिंग, फास्टिंग एक बहुत ही अच्छी चीज है। कोई भी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं, इसके साइंटिफिक पहलू हैं। इसको ऑटोफेजी में आदमी चला जाता है। जब आप फास्ट करते हैं तो नॉर्मली कीटोन बॉडीज ज्यादा ये बॉडी में पलते हैं, उसको कीटोसिस। डॉक्टर साहब का सिग्नल थोड़ा वीक है।
उन्होंने पटना से ज्वाइन किया है, शायद थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आप वापस आ गए। यस, तो जो द क्लीनेस्ट फ्यूल फॉर द ब्रेन इज नॉट ग्लूकोज, इसी को अनलर्न करना जरूरी है और रीलर्न करना है कि कीटोन्स आर द क्लीनेस्ट फ्यूल फॉर द ब्रेन। जित अगर वो फास्टिंग कर सकते हैं वो डिमेंशिया डिफीट कर सकते हैं। फास्टिंग पेनेशिया है जो लाइलाज आपको समझ में आ रही है, फास्टिंग इलाज है उसका। इसलिए आप इसीलिए दुनिया के जितने पूजा पद्धतियां हैं, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, हर में फास्टिंग का कितना महत्व है आप देखिए। इसको जानबूझ के धार्मिक एंगल दिया गया है, ये धर्म है आपका और ये धर्म है प्रकृति को बचाने का, इसलिए फास्टिंग जरूरी है। और ये प्रकृति के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। इसलिए लोग जो बोलते हैं बीच का रास्ता निकालिए, ये बीच का रास्ता है। आप भी ठीक होंगे, प्रकृति भी ठीक होगी। जी, मुझे लगता है कि फास्टिंग में हम अक्सर ज्यादा खा लेते हैं, फास्टिंग नहीं हो पाती है ठीक से। और जैसे आप बोल रहे थे फास्टिंग 40 आवर्स की होनी चाहिए, तो इफ आई एक्सप्लेन टू एवरीवन, हम लोग यहाँ पे भी पूरे हर हफ्ते एक दिन की फास्टिंग करते हैं। सो डे वन से वी स्टार्ट, डे वन शाम को सूर्य अस्त तक खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमारी फास्टिंग शुरू हो जाती है, जो सिर्फ पानी पीते हैं हम लोग। तो अगले दिन पूरा दिन हम पानी पीते हैं, तरह तरह के हल्दी वाटर, नींबू पानी, राइट, एंड नो फ्रूट जूस, नथिंग, जस्ट पानी। और फिर थर्ड डे को सुबह सूर्य अस्त के बाद 10 बजे के करीब वी टेक फर्स्ट मील। तो टोटल 40 आवर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 40 घंटे की फास्टिंग इज रियल फास्टिंग विद all kind of waters, without sugar, without salt. That's very important. Sugar or salt नहीं लेना है बिल्कुल भी। और मैं इस पे आ रहा था। या जी जी जी, आप बोले जी, इसको आप कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं इसी पे आ रहा था कि फास्टिंग, अगर आप मंडे को फास्ट पे हैं तो संडे सूर्यास्त के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। और फास्टिंग सिर्फ खाने का नहीं, प्रत्याहार, उल्टा आहार लेना। आप आंखों से भी आहार लेते हैं तो आपने बुरी चीजें देखनी भी क्यों है, बुरी चीजें सुननी भी क्यों है, बुरी चीजें सूंघनी भी क्यों है, बुरी चीजें टेस्ट भी क्यों कर ले, बुरी चीजें टच भी क्यों कर ले। ये जो 5 सेंसेस हैं इन पे ब्रह्मचर्य लगाइए, इसी को फास्टिंग कहते हैं। योग में इसको प्रत्याहार कहते हैं। आपने बाहर से आहार लेना बंद कर दिया, चाहे वो आंखों से हो, चाहे वो कान से हो, आप जो भी आहार लेंगे वो अच्छा आहार लेंगे। और आप कोशिश करें अंदर से आहार लेने के, उल्टा आहार, तब आप अंदर जाएंगे, उसको मेडिटेशन कहते हैं। तो प्रत्याहार पे आप आ जाएं और आप देखें वही फास्टिंग है। ये जो हम आपको 40 आवर्स का बता रहे हैं, ये सुन के आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये बहुत आसान है, कभी करके देखें। संडे को सूर्यास्त के बाद पानी पे आ जाइए, स्लो डाउन कर लीजिए, अपने थॉट्स को भी स्लो डाउन करिए, नेगेटिव न्यूज मत देखिए, हर चीज हर जगह पॉजिटिविटी देखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ गुनगुनाइए या ओम का उच्चारण करिए, आप देखिए आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेशन से भर जाएगी। पांव जमीन पर रखें और कोशिश करिए उस दिन जमीन पे कुछ बिछा के सोने की, बेड को भी त्याग दें उस दिन जिस दिन फास्टिंग है। आप देखेंगे बहुत सी चीजें जीवन में बदल जाएंगी और दूसरे दिन आप बहुत जल्दी भी उठ जाएंगे, अपना सर्कैडियन रिदम भी सेट कर लेंगे,
क्योंकि सर्कैडियन रिदम आपके आपके बॉडी में क्लॉक जीन्स हैं जो आपको 4:30 बजे उठा देंगे, आपको आपका सारा कुछ सेट कर देंगे क्लॉक जीन्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी साइंस नहीं, 2017 का नोबेल प्राइज आप देख लीजिए, क्लॉक जीन्स पे नोबेल प्राइज मिला है। तो ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। 2016 में फास्टिंग पे नोबेल प्राइज मिला था। ये सब भारत की पद्धतियां रही हैं जो हम भूलते जा रहे हैं और वेस्ट के लोग पकड़ते जा रहे हैं। एनीवे, जापान वेस्ट नहीं है, जापान फार ईस्ट है, और जापान की स्थिति भारत की स्थिति से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हम उसको अखंड भारत का पार्ट ही मानते हैं। तो ध्यान का देश भारत है, जेन का देश जापान है। ये जेन वर्ड ध्यान से ही आया है, इसलिए बहुत सी पद्धतियां मिलती हैं हमारी। तो तो फास्टिंग किल्स कैंसर 2016 का नोबेल प्राइज था, 2017 का क्लॉक जीन्स जो आपका सर्कैडियन रिदम सेट करते हैं, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सारी, नॉट ओनली कैंसर, मेनी मेनी डिजीजेस विल बी क्योर्ड जस्ट बाय कमिंग बैक टू द रूटीन ऑफ लाइफ। तो आप अगर उस दिन जमीन पे सोएंगे, आप देखेंगे नेक्स्ट डे आप ज्यादा फ्रेश उठेंगे, और आपको सिर्फ पानी पीना है। जब भी आपको भूख लगे आप ट्राई करिए 2-3 ग्लास पानी पी लेने का, और कोशिश करिए आरओ का पानी नहीं पीने का। आरओ का पानी ले लीजिए, घड़े में डाल दीजिए और घड़े का पानी पीजिए ताकि वो मिनरलाइज हो सके, और कोई अल्कलाइन वाटर वगैरह बाहर से लेने की जरूरत नहीं, खुद बनाइए। हमारे अगर आप ये यूट्यूब चैनल पे देखेंगे अल्कलाइन वाटर कैसे बनाना है, वही लाइव वाटर है, उसी में लाइव बैक्टीरिया है, वही आपका माइक्रोबायोम सुधारेगा। और वही लाइव वाटर लें जो मशीन से बनी हुई अल्कलाइन वाटर है, ये आपके लिए कितनी हानिकारक है शनै शनै आपको समझ में आने लगेगा। तो लेकिन आप ये घर पे खुद बना सकते हैं, आप घर पे खुद बनाएं और इसका सेवन करें और खुश रहें, किसी को बद्दुआ ना दें। ये फास्टिंग का तरीका है। जब आप ऐसे करेंगे तीसरे दिन आप देखेंगे जिस दिन आप फास्ट रहेंगे बहुत जल्दी नींद आएगी, 8:30-9 बजे आप सो जाएंगे, बिकॉज जैसे ही आप अपने क्लॉक जीन्स को सेट कर लेंगे तो क्लॉक जीन्स राक्षस काल के पहले सुला देती हैं। 8:30-9 बजे के पहले आपको सुला देंगी, क्योंकि 9 बजे से राक्षस काल शुरू होता है, 9 बजे रात के बाद राक्षस काल है। तो आप देखेंगे जैसे ही आप ये क्लॉक जीन्स को एक्टिवेट करेंगे ये सभी चीजें आपकी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और तीसरे दिन सुबह आप फिर जल्दी उठेंगे और आप देखेंगे सबसे पहली चीज होगी आपको भूख नहीं लगी होगी। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने देर फास्टिंग के बाद भी मुझे भूख नहीं लगी, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को रीसेट कर लिया है। इसी को रीसेट बटन कहते हैं, इसीलिए फास्टिंग आपके बॉडी का रीसेट बटन है। रीसेट करिए और जिंदगी एंजॉय करिए, बीमारियों को डिफीट करिए, यही हमारा पर्पस है। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ देर आर क्वेश्चंस आई विल बी ग्लैड टू आंसर। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि फास्टिंग मतलब सिर्फ खाना नहीं है, इस पूरे पांचों सेंस अंदर जाएं और अंदर की खाने को खाएं, आंखें अंदर देखें, कान अंदर की आवाज सुने। तो दैट्स रियली ब्यूटीफुल, दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ फास्टिंग। ना कि लोग मोस्टली टाइम किल करने के लिए दे वॉच मूवी कि चलो भूख ना लगे तो हम ये सब करते हैं। तो सो दिस इज अनदर वे, मेडिटेशन कैन बी अ वे टू गो इन फास्टिंग। या तो एक क्वेश्चन है, व्यूवर है हमारे सीमा सरफ, वो बोल रहे हैं फास्टिंग में माइग्रेन हेडेक हो जाता है, पेन किलर लेना पड़ता है, उसका क्या कर सकते हैं? हाँ, इसमें आप अगर वेगल स्टिमुलेशन के हमारे वीडियो पे जाए, आप वेगल स्टिमुलेशन अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से करवाए, अपने फैमिली मेंबर को सिखाए और उनसे करवाएं, और अगर उससे भी नहीं होता है तो ये दोनों उंगलियां याद रखें यहाँ पर जो दूसरे कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी एक वीडियो लोड करने वाले हैं, ये भी एक पेनेशिया की तरह काम करता है, यहाँ से लेके
बैक ऑफ द नेक से लेके बिल्कुल शोल्डर तक ऑल्टरनेट वे में आप अगर रगड़ेंगे तो आप देखेंगे माइग्रेन, हेडेक, ये सारा 1.5-2 मिनट, 3 मिनट में चला जाएगा। हाँ, शर्त ये है कि आपके पांव जमीन पे होने चाहिए, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और तब ये अगर ऑल्टरनेट वे में किया जाए तो चीजें ठीक होंगी और आप बहुत जल्दी अपने प्रॉब्लम से निकल के बहुत जल्दी ठीक होने के रास्ते में चल पड़ेंगे और ये सारा कुछ चला जाएगा। तो सीमा जी का बहुत अच्छा प्रश्न था, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी टॉक्सिन्स निकालने के चक्कर में रहती है। जैसे ही आप फास्टिंग पे जाते हैं, बॉडी टॉक्सिन निकालने, ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये आपको इतना तंग करेंगे कि आपको ये सिखा देंगे कि अगली बार से सोचना भी मत फास्टिंग के लिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में रहना चाहते हैं। ये उसी तरह की बात है जो राक्षस जो है वो आपके शरीर से निकलना नहीं चाहते हैं। इसीलिए डिटॉक्स सिर्फ बॉडी का ही नहीं, माइंड का भी करना जरूरी है, ताकि ये सभी सभी चीजें निकल जाएं और आप कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम से ना होगा। हो सकता है दूसरी बार फास्टिंग में भी ये चीज माइल्ड फॉर्म में हो सकती है, तीसरी बार भी हो सकती है, लेकिन ये मैं अश्योर करता हूं चौथी बार नहीं होगी, तब तक सारे टॉक्सिन्स निकल गए होंगे। जी, दैट्स ब्यूटीफुल। तो मतलब पानी पीते रहेंगे तो भी टॉक्सिन निकलते रहेंगे, बट हेडेक के लिए वेगल नर्व स्टिमुलेशन करना इज इम्पोर्टेंट, एज यू सेड। जी, तो डॉक्टर साहब, हमने फास्ट फूड की जो बात की थी, फास्ट फूड सिर्फ कंसिडर यही होता है उसमें कि फास्ट खाना मिल जाए, या उसका रिलेशन डाइजेशन से भी है कि फास्ट फूड मतलब जो फास्ट डाइजेस्ट भी हो जाए, इज इट रिलेटेड? देखिए, डाइजेशन एक दूसरी प्रक्रिया है, डाइजेशन डिपेंड करेगा आपके बॉडी ह्यूमर पे। बॉडी ह्यूमर से मेरा मतलब है आप वात पित्त कफ की किस स्थिति में है उस पर आपका डाइजेशन डिपेंड करेगा। अगर आपकी पित्त की स्थिति ज़्यादा प्रबल है तो आपका डाइजेशन फास्ट होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन होगा नहीं होगा ये उस पर नहीं डिपेंड करेगा, और ये जठराग्नि पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जठराग्नि कितनी है। अग्नि कई प्रकार की होती हैं, अग्नि हम भारत के लोग हैं, अग्नि को बड़े सम्मान से देवता समझते हैं, और ऋग्वेद की पहली पंक्ति अग्नि नीले पुरोहितम, मैं अग्नि हूं, अग्नि का मैं पुरोहित भी हूं, मैं खुद ही अग्नि हूं, और अग्नि ही जब है तो अग्नि है तो गति है, स्थिति है, योग है, भोग है, संसार है, और अंत में सब अग्नि में ही समा जाते हैं। ये थोड़ी डीप बात थी, धीरे धीरे आप अगर इसमें डीप जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि मैंने क्या बोला है। एनीवे, तो ये जठराग्नि है, ज्ञान अग्नि है, ये अग्नि आपको जीवन में चलने के लिए जरूरी है, ये अग्नियां। तो जठराग्नि कैसे बढ़ाएंगे, और जठराग्नि आपकी अगर ठीक है तो बहुत जल्दी आप डाइजेस्ट करेंगे, और जठराग्नि कम होती है चाय से, कॉफी से, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लगेगा मैं तो जस्ट एक चाय पिया, वो जस्ट एक चाय नहीं है, वो आपकी जठराग्नि कम हो गई, और धीरे धीरे जठराग्नि कम जब जब होती जाएगी तो नेवल डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ये सभी चीजें होंगी, एंड देन मेजर डिजीज आते रहेंगे, वो सिर्फ एक कप चाय नहीं था। सो हमें ये बात समझना पड़ेगा। जी, दूसरा प्रश्न है, फास्टिंग किस एज पे करना चाहिए? सचिन वर्मा ने पूछा है, फास्टिंग किस एज से करनी चाहिए? किसी भी एज में फास्टिंग करना जरूरी है, किसी भी एज में। अगर वो लिविंग बीइंग है, फास्टिंग जीव से शिव तक पहुंचने की स्थिति है, आप इसको डिविनिटी से जोड़िए, किसी भी एज में कर सकते हैं। हाँ, किसको नहीं करनी है वो ज्यादा जरूरी है।
जिन लोगों का ब्लड शुगर लो है, जिनका ब्लड प्रेशर लो है, वो पहले अपना ब्लड प्रेशर लो ठीक करें, वेगल स्टिमुलेशन से ब्लड प्रेशर नॉर्मल करें। जिन लोगों का ब्लड शुगर लो है उनको देखना पड़ेगा कि उन्होंने अभी अभी डायबिटीज की मेडिसिन तो नहीं छोड़ी है, इसलिए ब्लड शुगर लो है। और जो लोग डायबिटीज मेडिकेशन पे हैं, जो लोग किसी मेडिकेशन पे हैं, उनके लिए फास्टिंग दिक्कत वाली बात है, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ बेटर ऑप्शन। तो वो लोग दो खाने के बीच में 8 घंटे का गैप दे सकते हैं और धीरे धीरे अपनी बॉडी को ट्यून कर सकते हैं कि बड़ी फास्टिंग पे जाएं, क्योंकि दो खाने के बीच में अगर इंटरमिटेंट फास्ट करते हैं तो उनको कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, तो आप दवाइयां बंद हो जाएगी, तब आप फुल फास्ट पे जा सकते हैं। जी अगला प्रश्न है हर्ष हर्ष अमीन का, हाउ टू नेचुरली बूस्ट मोर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन फॉर मसल बिल्डिंग विद फास्टिंग, व्हिच फास्टिंग इज नीडेड। हाँ, तो फास्टिंग एक रीस्टार्ट बटन है बॉडी का, आप रीस्टार्ट कर लेंगे बॉडी अपने आप। अगर आप मसल टोनिंग पे हैं और आप तब भी अगर आप जिम गोअर हैं, आप फास्टिंग पे जाइए, आप बहुत जल्दी मसल बिल्ड करेंगे। अगर आपको लगता है कि मसल सिर्फ प्रोटीन पाउडर से बिल्ड होता है, अपनी स्थिति चेंज करिए, ये साइंस नहीं है, ये बेचने की स्थितियां हो सकती हैं, वे प्रोटीन बेचने की स्थितियां हो सकती हैं, वो साइंस नहीं है। साइंस ये बताता है कि मसल बिल्डिंग कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो अगर आपको कोई डाउट है चेक करें, आप चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ साइंटिफिकली करेक्ट है कि नहीं है। प्रोटीन से मसल नहीं बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, ये साइंस है, बाकी आपकी समझ है। लेकिन मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि आपकी प्रोटीन बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी अगर आप हफ्ते में एक दिन फास्ट करते हैं, तो कभी करके देखिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू। कंपनी तो प्रोटीन बेचने पे लगी हुई है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो अगला प्रश्न है राहुल तिवारी का, सर फास्टिंग करते टाइम रात को नींद नहीं आता है, सर क्या करें, क्या उपाय है? ये मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि कोई लाइट म्यूजिक या ओम की ध्वनि लगा दें और पेट के बल या साइड में सो जाएं, नाड़ी शुद्धि करके बहुत जल्दी नींद आएगी और बहुत गहरी नींद आएगी, आपकी नींद सुबह ही टूटेगी। जिन लोगों को बीच में आदत है उठने की वॉशरूम जाने के लिए, वो भी फास्टिंग के दिन आप जितना मर्जी पानी पिए आप बीच में नहीं उठेंगे। आप कभी करिए तो, कभी देखिए तो, इस स्थिति में तो आइए, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जी दूसरा प्रश्न है फास्टिंग के ऊपर ही, व्हाइल फास्टिंग हाउ मेनी टाइम्स कैन वी स्टिमुलेट आवर वेगस नर्व, बिकॉज़ वन टाइम स्टिमुलेशन इज नॉट इनफ, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, प्लीज आंसर। सुरभि कृष्ण पूछ रही है, वेगल स्टिमुलेशन आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके वेगस नर्व की स्थिति क्या है। एनर्जी लेवल इमीडिएटली बढ़ जाती है, आपको जब जब एनर्जी लेवल की जरूरत है आप वेगल स्टिमुलेशन कर सकते हैं। एक और तरीका कर सकते हैं, अगर आपको कोई बुद्धि से रिलेटेड काम करना है और कुछ लिखना है, उसका वेगल स्टिमुलेशन विल बी डिफरेंट। आप उसमें एक काम करें कि आप लेफ्ट से सांस लें और लेफ्ट से छोड़ें 21 मिनट तक, आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल और बुद्धिमत्ता दोनों बढ़ जाएंगे। अगर आपको इसके बाद कोई कंपटीशन में जाना है और रेसलिंग करना है, जॉगिंग करना है, 100 मीटर्स डैश करना है, उसके पहले एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाएंगे वेगल स्टिमुलेशन से, तो लेफ्ट बंद करिए, राइट से सांस लीजिए और राइट से छोड़िए 21 मिनट तक, आप देखेंगे आपका स्टैमिना ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना बढ़ गया होगा 21 मिनट के बाद। कभी करके देखिए और फिर देखिए कि आपकी स्थिति क्या होती है। जी नेक्स्ट प्रश्न है,
कमलेश मलिक का, सर वाटर फास्टिंग के नेक्स्ट डे मुझे कॉन्स्टिपेशन एंड कक्कर दर्द हो जाता है जो मुझे पहले कभी नहीं था, प्लीज आंसर बाय कमलेश। मैं बहुत श्योर हूँ कि इनका माइक्रोबायोम डेफिशिएंसी प्लस डिहाइड्रेशन दोनों है। मैं ये चाहूँगा कि ये और कुछ नहीं तो राइस, फर्मेंटेड राइस वाटर सुबह में लें, इनका वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा और अपने आप को ठीक से हाइड्रेट करें, कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। फास्टिंग के दूसरे दिन मोशंस बहुत क्लियर होंगे। आप फर्मेंटेड राइस वाटर पे आ जाइए, क्योंकि ऐसा लगता है आपके प्रश्न से कि देर इज अ माइक्रोबायोम डेफिशिएंसी। जी अगला प्रश्न है महालक्ष्मी मेडिसिन शॉप समथिंग या किन्हीं व्यक्ति का, सर फास्टिंग में सॉल्ट नहीं ले सकते क्या? ऑफ कोर्स नहीं लेना, राइट? कुछ भी नहीं लेना। पानी ले सकते हैं, नींबू पानी, मगर बिना नमक और बिना चीनी के, राइट? यस यस। और हर्ष जी पूछ रहे हैं, थैंक यू सर, एंड माय अनदर क्वेश्चन इज दैट कैन आई टेक एमसीटी ऑयल और कोकोनट ऑयल व्हाइल फास्टिंग बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कीटोन्स? यस यू कैन टेक, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट हम चाह रहे हैं कि लोग ऑयल पुलिंग और ऑयल इनटेक पे आए, उनकी उम्र वो दीर्घायु होंगे। आप जितने भी लोग 100 के ऊपर हैं, कभी उनकी जीवनी देखिए, वो एक दिन में एक चम्मच ऑयल जैसे ही जैसे मर्जी पीते ही हैं। आप अगर देखेंगे, आप गौर से देखिए, जितने भी लोग जो 100 इयर्स के ऊपर हैं, उनका जीवन ऐसे रहा है, तो आप 99 इयर्स में ये काम शुरू करेंगे वैसा ना करिए, आप आज से शुरू करिए ताकि वो आप उस समय तक जी सके। जी नहीं, उनको फुल फॉर्म ये लिखना पड़ेगा। हाँ, ये कहीं कैनोला वाला ऑयल तो नहीं है? या तो हम लोग क्या रिकमेंड करना चाहेंगे इनको, सिर्फ कोकोनट? वर्जिन, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, माँ का दूध, उसके बाद नारियल। जी पूरा जीवन इसमें चलाना बहुत जरूरी है। जी पर देखा जाए तो सर हम मोस्टली कितना ऑयल कंज्यूम करते ही हैं, कुकिंग में भी, रोटी के ऊपर भी लगाते हैं घी। और आप उसको ऑयल ना मानिए। जी आप उसको कुकिंग वाला ऑयल को ऑयल ना मानिए, जहर मानिए। आप ऑयल को आपने आग दिखा दिया, वो जहर हो गया, वो कैंसरस हो गया। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कभी आप जो मैं बोल रहा हूं कभी गूगल में चेक करके देखिए। ऑयल को गरम कभी नहीं करना है, और गरम ऑयल में कोई चीज डालना नहीं है। यू आर प्रमोटिंग कैंसर। आप सब्जी पानी में बॉईल करिए और उसको थोड़ा सा ठंडा करके ऊपर से तेल डाल के खाइए, वो ज्यादा अच्छा है। ऑयल में मत फ्राई करिए। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हर्ष जी का अनदर कुछ नहीं, ये हो चुका है, सॉरी। प्रेग्नेंट वुमेन कर सकती हैं क्या फास्टिंग? मेघना आश्वर्या पूछ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्भ संस्कार में जो हम लोग ये देते हैं, हम बोलते ही हैं हफ्ते में एक दिन फास्ट के लिए। और याद रखिए, फास्टिंग से एनर्जी लेवल हाई होता है, लो नहीं होता है। आप कभी फास्टिंग करके तो देखिए। जिन लोगों को सिर्फ थ्योरी में लगता है कि नहीं मेरे को तो बहुत कमजोरी हो जाएगी, मैं काम कैसे करूँगा, आप करके देखिए। मेरा मशवरा है, आप करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जी और मेघा पूछ रही है, सर कोकोनट ऑयल कितना और कब लेना चाहिए फास्टिंग में? आप दो बार ले, आप दो बार ले सकते हैं, एक एक टेबलस्पून, दो बार, एक बार सुबह एक बार शाम को ले सकते हैं, 8 घंटे के गैप में। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको
बेहतर ये लगेगा। और जो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी पूछ रहे थे, उनके लिए भी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ऑयल लेना बहुत अच्छी बात है, कॉन्स्टिपेशन भी चलाया था। तो आनंदी जी, चूंकि हमारा आज शेड्यूल बहुत व्यस्त है, बिल्कुल जी, तो अभी हम वाइंड अप करते हैं। वैसे भी हमने सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं और बहुत बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिली है सारे व्यूअर्स की तरफ से, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से सारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और लोगों को हेल्थशाला में आने के लिए प्रमोट करें, ताकि वो अपने जीवन को घर बैठे ठीक कर सकें। करेक्ट डेप, सही बोला मैंने। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स, ओके, प्रणाम।